तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारी इस नए वीडियो में। आज हम देखने वाले एक कॉमन समस्या जो कि हर लोगों को फेस करना रहता है, जब भी वो अपने ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन में जब स्विच करते हैं तो उनका व्हाट्सएप का जो भी कॉन्टैक्ट है, उनका जो जानकारी होता है, वो सब वो अपने ट्रांसफ़र नहीं कर पाते अपने न्यू मोबाइल में। तो आज हम उसको ट्रांसफ़र कैसे करें, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया करना रहता है, क्या प्रोसेस होता है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले अपने व्हाट्सएप में चले जाएं। व्हाट्सएप में जाने के बाद आप अपने सेटिंग्स में चले जाएँ। सेटिंग्स में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक दिखेगा चैट, चैट के ऊपर क्लिक करें। जब आप चैट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपसे ये सब देख सकते हो, ऑप्शन थेमी वॉलपेपर। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है जो कि है चैट बैकअप। इसको क्लिक करके आपको क्या करना है, हाँ अब जो देख सकते हैं ये जो बैकअप है इसी को आपको दबाना है। एक मिनट रुकिए, आपको पहले क्या करना होगा कि आप पहले स्क्रॉल डाउन करें। आप पहले अपना बैकअप तो गूगल ड्राइव में क्या चूज़ करेंगे, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको बैकअप कब करना है, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें जो अभी हम ऑप्शंस बता रहे हैं आपको, फिर आप जाके बैकअप पर सिलेक्ट करें। तो आपको पहले ओनली व्हेन आई टैप बैकअप इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद अपने गूगल अकाउंट में जाके आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको आप लॉगिन कर लें, मतलब सिलेक्ट कर लें। फिर आप बैकअप में क्लिक करेंगे तो ये आपका जब बैकअप है वो आपका 700 MB भी हो सकता है, 800 MB हो सकता है, जितने भी। तो आपका टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा MB उतना आपका टाइम कंज्यूम करेगा बैकअप होने के लिए। आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें तो आपका जल्दी हो जाएगा। और अगर आप वीडियो भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपका वीडियो भी यहाँ ऑप्शन है, ग्रीन हो जाएगा क्लिक करेंगे तो। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, ये जब का बैकअप फुल कंप्लीट हो जाए आप एक्सेप्ट कर लें। जैसे जैसे बैकअप आपका मांगते जाए एक्सेप्ट एग्री सब कर दें। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बैग चले जाइए। बैग जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपका मिलेगा एक जीमेल। तो यहाँ भी एक लफड़ा, लफड़ा नहीं बोल सकते, मतलब कि यहाँ एक समस्या है जो कि है जीमेल के थ्रू। जो आप जीमेल वहाँ लॉगिन किए व्हाट्सएप में, जब अकाउंट में जाके जो लॉगिन चूज़ किए वही लॉगिन आप अपने नए मोबाइल में करेंगे। सेम मोबाइल नंबर नहीं तो पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो अपना ईमेल आईडी नहीं तो पासवर्ड डाल के कर सकते हैं। आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप अपने प्ले स्टोर में जाके लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो जीमेल में जाके भी लॉगिन कर सकते हैं। आपके दो तरीके हमने बता दिए, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर, नहीं तो जीमेल, दो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सब सेटअप कर लें अपने न्यू फ़ोन में, अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लें, उसको लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, उसको लॉगिन करने के बाद अब जब अपना व्हाट्सएप खोलेंगे, देखिए जब आप अपना व्हाट्सएप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाके, आप अपने नए मोबाइल में व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको एक ये कुछ इंटरफेस मिलेगा। जब आप व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे, वेलकम टू व्हाट्सएप, एग्री एंड कंटिन्यू क्लिक किए। एग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं चूज़ योर कंट्री, फ़ोन नंबर आप डालेंगे, जो भी फ़ोन नंबर है चूज़ करें इंडिया, जो भी आप बिलोंग करते जिस कंट्री से। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो कि है ये यही जो एंड इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसी को एनेबल करने से आपको जो कि चैट सब बैकअप होगा, वीडियो सब। तो आप देख सकते हैं रिस्टोर योर मैसेज एंड मीडिया फ्रॉम गूगल, यू डोंट रिस्टोर नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू रिस्टोर लेटर। तो इसको आप रिस्टोर पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कुछ रिस्टोर लेने में टाइम लगेगा, जितना भी MB हो उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। जब रीस्टोर हो जाए तो आपका जो भी सब मैसेज था, फोटो था, वीडियो था, आपके नए मोबाइल में शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं
और जिस मैसेज का आप जैसे किसी बातचीत किए हैं तो वो भी आपका वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हमारी इस नए वीडियो में। सो बाय।